हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी इंस्टेंट स्किन वाइटनिंग पील ऑफ मार्क्स। तो चलिए गाइस, जानते हैं इसे हम बनाना कैसे है। सबसे पहले मैंने बाउल में 1 स्पून कॉफ़ी ऐड की है, उसके बाद 1 स्पून यहाँ पे टेबलस्पून मैंने जिलेटिन पाउडर ऐड किया है। इस दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। उसके बाद आप इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटर लेना है। ये ध्यान रखना कि टमाटर काफ़ी लाल होना चाहिए, क्योंकि उसमें अच्छा जूस मिलेगा। उसका जूस आपको इसमें ऐड कर लेना है। दोनों पूरा एक टमाटर इसमें एक टमाटर का जूस आपने ऐड करना है। गाइस देखिए, मैंने पूरा एक टमाटर ही ऐड कर रही हूँ। उसके बाद गाइस, इस तरह से आपने मिक्स करके ना डबल बॉयलर में इसे अच्छे से जो जेलेटिन है ना उसे अच्छे से मेल्ट कर लेना है। डबल बॉयलर में आप पानी गर्म कर लें और उसके बाद उसको उसमें जेलेटिन को मेल्ट कर लें। और जब आप मेल्ट करोगे ना, बहुत अच्छी एक स्मूथ पील ऑफ मार्क्स बन जाएगी। देखिए, इस तरह से ये मार्क्स बन जाएगा। अब मैं ये मार्क्स अप्लाई करने से पहले इसमें थोड़ा सा लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डालूंगी, 4 to 5 ड्रॉप्स। ये हमारी स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और अब मैं ये मार्क्स फिंगर टिप्स की हेल्प से ही अपने फेस पर अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं, नहीं तो आप ब्रश की हेल्प से भी कर सकते हैं। अच्छे से पूरे अपने फेस पे आप ये मार्क्स पहले अप्लाई कर लें। इसके बेनिफिट्स गाइस ये हैं कि जो कॉफ़ी होती है ना, वो हमारे स्कार्स रिमूव करती है, स्किन को वाइटनिंग करती है, एक्ने रिमूव करती है, और हमारी स्किन से जो टैन होती है ना वो भी रिमूव करती है, और हमारी स्किन क्लीन एंड क्लियर हो जाती है। पूरे फेस पे अच्छे से आप अप्लाई कर लें और इसे अच्छे से 20 मिनट्स तक सूखने दें। 20 मिनट्स तक आपने ज़रूर इसे सूखने देना है, नहीं तो आपका पील ऑफ मार्क्स अच्छे से रिमूव नहीं होगा। इस तरह से पूरे फेस पे लगा के 20 मिनट तक अच्छे से सूखने दें। और देखिए, 20 मिनट्स हो गए हैं। अब मास्क जब भी आप रिमूव करोगे, नीचे से ऊपर की ओर रिमूव करना है। इससे आपके जो फेशियल हेयर है वो रिमूव होंगे, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स सब रिमूव हो जाएंगे, स्किन एकदम क्लियर हो जाएगी और अंदर से खुल के सांस लेने लग जाएगी। धीरे धीरे आपने इसे रिमूव करना है। थोड़ी हल्की फुल्की पेन हो सकती है। पूरे अच्छे से ऊपर की ओर ही, एक बात का ध्यान रखना है कि मास्क को ऊपर की ओर से ही करना है, तभी आपके जो अनवांटेड फेशियल हेयर वो रिमूव होंगे। आप देख सकते हैं, मैं ऊपर की ओर ही मास्क को रिमूव कर रही हूँ। पेन हो रही है, पेन इतनी तो होगी ही, बिकॉज वो हमारी स्किन पे अच्छे से लगा हुआ है। धीरे धीरे करके आप इस तरह से इसे रिमूव कर लें। इससे आपकी स्किन देखिएगा कितनी हेल्दी लगेगी और आपकी जो स्किन है ना वो ग्लो करने लगेगी। डेड स्किन सेल्स जो होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं और न्यू स्किन सेल्स भी इससे आते हैं। ये बहुत ही अच्छा पील ऑफ मार्क्स है गाइस। इसे आप जो ट्राई करके ज़रूर देख लें, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मैंने पूरा मास्क रिमूव कर लिया है। अब मैं अपने फेस को स्पंज पैड से अच्छे से पोंछ लूँगी। अब देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लो आया है। सो गाइस, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। अपने रिलेटिव फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल बटन जरूर दबाएं। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड लव यू गाइस।